शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शहीद डॉक्टर डी सोचते इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। गुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर। दो तोड़ी सोच थे इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम लोग समझते हैं कि भगत सिंह की रेलिवेंस पहले से भी ज़्यादा है आज की डेट में। जिस तरह से कैपिटल की एकुमुलेशन हो रही है, 80% प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में जा रही है, तो ये गैर बराबरी जो है, भगत सिंह इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जिस तरह से सांप्रदायिक चीज़ें जो हो रही हैं, जात पात की जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, भगत सिंह बिल्कुल इनके खिलाफ थे। ये जैसा भारत चाहते थे वैसा भारत नहीं बना पा रहे हैं। तो हम लोग सभी युवा से अपील करते हैं कि इनकी विचारों, इनको ट्रिब्यूट, सही में इनको ट्रिब्यूट तभी हो सकती है अगर इनके विचारों को हम समझें और इनके विचारों पे हम चलें। भगत सिंह को सिर्फ इन्होंने एक टी शर्ट पे ही लगा रखा हुआ है या फिर मोटरसाइकिल पे। भगत सिंह का इन होल इन्होंने एक कल्ट बना दिया हुआ है। लेकिन भगत सिंह असल में जो भगत सिंह है वो कॉपी और पेन के साथ है। भगत सिंह के जो विचार हैं वो सबसे ज़रूरी हैं। हम किसी को माला पहना के, फूल चढ़ा के उसको ट्रिब्यूट नहीं दे सकते जब तक हम उनके विचारों की बात ना करें। तो इनका एक सपना था कि इंकलाब का जो नारा है, ये झुग्गी झोंपड़ियों, भारत के तमाम वर्ग जो हैं वहाँ तक जाए, और हम भी वही उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हम भगत सिंह के विचारों की या भगत सिंह की आइडियोलॉजी की बात करें, तो हमें लगता है कि भगत सिंह की जो जगह है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। भगत सिंह जो हैं वो, उनके विचार जो हैं, इन तमाम सांप्रदायिक पार्टियों के अगेंस्ट हैं जो जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं। ये आज के युवा को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। 23 साल 5 महीने और 26 दिन इनका जो पूरी लाइफ का जो टेन्योर रहा है, ये वो उम्र होती है जिस उम्र में नौजवान जो, उनकी ज़िंदगी बड़ी वाइब्रेंट रहती है। लेकिन भगत सिंह इन सब चीज़ों से हटके थे। ये इन्होंने गहरा अध्ययन किया हुआ है और भारतीय समाज को समझा। इन्होंने समझा कि जो असल में जो आज़ादी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर से नहीं होगी। असल में आज़ादी तभी हो सकती है जब हम बराबरी की बात करें, जब किसान मजदूर के हालात सुधरेंगे, जब ये जात पात के जो मसले हैं ये ठीक होंगे, जब ये दंगों के जो मसले हैं ये ठीक होंगे। ये उसी को ही असल में आज़ादी समझते हैं। भगत सिंह ने आखिरी में खुद ही कहा था कि मेरे को असल में श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब जो इंकलाब का जो नारा है ये गाँव गाँव तक पहुँचे, झुग्गी झोंपड़ियों तक पहुँचे। इंकलाब का मतलब, इंकलाब से उनका मतलब ये था कि प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज। वो हर चीज़ जो अन्याय पे आधारित है वो बदल देनी चाहिए। मेरा नाम सनी डोगरा, मैं डिग्री कॉलेज कठुए का स्टूडेंट है। अज अं इतने कट्ठे हुए हैं भगत सिंह के, भगत सिंह पार्क और मोमबत्तियां लेइए भगत सिंह होने श्रद्धांजलि दी है। कैंडल फड़िए भगत सिंह होने श्रद्धांजलि लैन और सारे ही थोड़े मीडिया के माध्यम करना सारे ही मैसेज लाने कि सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां पकड़िए जां रैलियां कढ़िए भगत सिंह जी की श्रद्धांजलि है वो नहीं मिलनी है।
जिन्हें तक अं भगत सिंह के विचारी की गल नहीं करके जिन्हें साढ़े साथी ने दसिया कि भगत सिंह के विचार जोड़े है वह बड़े जरूरी है और जो सू अ दूरी जी जानकारी मिलती जी है चाहे स्कूलों मिली है चाहे समाज मिलती है कि जो भगत सिंह है वह एक नौजवान है जोड़े देश की आजादी लड़े देश ही आजाद करने उनका मकसद आ आजादी कुर्बान हो अद्धी और अधूरी जी है जानकारी हम मिलती है जी पूरी जानकारी है वह है जी ये सिलेबस जताबी कताबी नहीं पढ़ाया जाता वो ये कि भगत सिंह और सिर्फ आजादी नहीं चाहते वो एक ऐसा समाज चाहते हे जिस समाज च अमीरी गरीबी खत्म होवै जिस समाज च एक इंसान दुए इंसान की लुट नहीं करे शोषण नहीं करे एक बराबरी का समाज चाहते कि जित सारे इंसान बराबर हो तो अं देखने कि वह जरा बराबरी का समाज है वह नहीं है अज भी ऊंच नीच दिखी जाती है चाहे वह कास्ट के हिसाब उपर है चाहे वह जेंडर के हिसाब उपर है चाहे वह इनक्वलिटी के हिसाब उपर है वह तमाम तरह की इनक्वलिटियां साढ़े जड़ियाँ साढ़े समाज हैं तो आखने का भाव है कि तुम्हें कोई गल जरूर सुनी होनी कि भगत सिंह जम्मै और जम्मै बार बार मेरे नहीं तेरे गुआढ़ियों के घर तो मैं तुम्हें सारे ये पूछना कि भगत सिंह की यह गल क्या आखी जी उन्हें क्या ऐसा गलती करी क्या ऐसा गुना करीता कि उन्हें लोग आखा दे कि साढ़े घर जमया लोगों के घर जम जमी पो तो ठीक है मतलब जड़ी उम्र जिस उम्र च जो तुम पूछा दे जड़ी उम्र च वो ऐसो आराम करने के दिन है जड़ी उम्र च जैसी मारने के अपने कैरियर कैरियर बनाने के दिन है जां नौकरी करने के दिन है अपनी फैमिली दिखने के दिन है उन्हें दिन च वो अपने देश के वास्ते कुर्बान होइए अपने समाज वास्ते कुर्बान होइए तो अज जड़ा है वह साहीं लोग युवा है उन्हें नहीं याद करा दा तो साढ़े आखने भाव यही है कि उन्हें जो विचार है उन्दे उन्दे पर गल होनी चाहिए ना कि सिर्फ उन्दे फोटो लेइए और उन्दे नारा लाइए तो गल नहीं बननी है जिन तक उन्दे विचारे पर गल नहीं होग। शहीद भगत सिंह पार्क कठुआ में भगत सिंह को श्रद्धांजलि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जिनके की शहादत दिवस है 23 मार्च। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह का एक सपना था, सपना एक ऐसा था कि ऐसे समाज के निर्माण करें जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं कर सके, किसी भी बेस पे शोषण हो, शोषण जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो रहा हो या फिर आर्थिक रूप से शोषण हो, क्योंकि हम आप सभी देख सकते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, किस हिसाब से जो कुछ वर्ग कुछ लोग कुछ चंद लोग यानी कह सकते कुछ चंद लोग गिने चुने लोग हैं जो कि देश की सारी अर्थव्यवस्था के देश की सारी संपत्ति उनके पास एकत्रित हो रही है और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। किस हिसाब से भगत सिंह ने जिस समाज का सपना देखा था कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पे जाति धर्म के नाम पे लोग ना लड़े, तो आज तक अभी भी वो चीज़ चल रहा है, अन्याय रूपी जो व्यवस्था है अभी तक कायम है और लोगों को लूटा जा रहा है। अभी तक हम देख सकते हैं अपने कठुआ के मसला को ले सकते हैं, किस हिसाब से अपने जम्मू कश्मीर के मसला को देख सकते हैं, किस हिसाब से अपने जम्मू कश्मीर में 370 एब्रोगेट होने के बाद भी अभी तक आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, कैसे JKSSB बार बार एग्जाम कर रही है, एग्जाम स्क्रैप किए जा रहे हैं, बच्चे इस आश में बैठे हैं कि उनको नौकरियां मिलेगी लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही है, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है और जो अपने जम्मू कश्मीर की सरकार है वो सुनती नहीं है, वो तरह तरह के गलत बयान देती है और युवाओं को गुमराह करती है और युवाओं के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा। तो मेरी एक और अपील है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के या देश के युवा है वो भगत सिंह के विचार को पढ़े, भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़े, भगत सिंह की लिखी गई लेख को पढ़े और उनके विचार के साथ आगे बढ़े, क्योंकि देश में तब तक या फिर पूरे विश्व में कह सकते हैं तब तक शोषण बंद नहीं हो सकता जब तक हम भगत सिंह के विचारधारा और उनके इनकलाब पे नहीं चलेंगे। इनकलाब से कहना था कि ऐसे समाज का निर्माण करना।